नमस्कार दोस्तों, आप सभी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए दो अहम बहुत बड़ी जगह की जानकारी निकल कर आ रही है, तो आइए इसको पूरे विस्तार से देखते हैं। उससे पहले आप हमारी वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। हम आपको बता दें कि दो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, एक तो मानदेय वृद्धि को लेकर और दूसरी जो है कि गर्मी में छुट्टियों को लेकर जो है कि दो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो आइए एक एक करके इसको पूरे विस्तार से देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 5 से 8 हज़ार वेतन में काम करने वाली आंगनवाड़ी का मानदेय बढ़ाने को लेकर आज बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अब आंगनवाड़ी को इतने में वेतन में काम नहीं करना होगा। 2005 में शुरू हुई एक योजना जिसका बजट 70,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा आंगनवाड़ी का मानदेय बढ़ने में मदद करेगी। तो हम आपको बता दें कि ये योजना जो है कि लाई गई थी, जिसमें 70,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की लागत से जो है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि को लेकर जो है कि ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हम आपको बता दें कि इस योजना के तहत आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में काफ़ी वृद्धि हो सकती है और आसानी से उनके मानदेय में वृद्धि हो जाएगी। जैसा कि हम आपको बता दें कि अगर इस योजना के तहत आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि किया जाता है तो आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय जो है कि करीब करीब 18 से 20 हज़ार रुपये तक उनका मानदेय जो है कि हो जाएगा। तो ये आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि को लेकर जो है कि बड़ी खबर निकल कर आ रही थी। दूसरी बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, गर्मी में छुट्टियों को लेकर शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में गर्मी छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी कैलेंडर के मुताबिक 11 मई 2022 से 30 जून 2022 तक नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा तक के स्टूडेंट की छुट्टी होगी। वहीं 28, 29 और 30 जून टीचरों के लिए वर्किंग डे रहेगा, उस दिन केवल टीचर स्कूल जाएंगे। तो ये बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में जो है कि छुट्टी को लेकर अभी इसमें नहीं बताया गया है। हम आपको बता दें कि आंगनवाड़ी केंद्रों में जो है कि छुट्टी को लेकर जो है कि चर्चाएं चल रही है, इसको आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने को लेकर जो है कि सरकार तक पहुँचाई गई है कि आंगनवाड़ी धूप में जाती है ड्यूटी करने और छोटे छोटे बच्चों को जो है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचना पड़ता है। तो इसको लेकर जो है कि सरकार तक इस बात को पहुंचाई गई है और मांग की गई है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को भी स्कूल की तरफ बंद किया जाना चाहिए। अब इस पर जो है कि सरकार द्वारा जल्द ही कदम उठाया जा सकता है और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया जा सकता है। जैसे ही एक खबर आती है वैसे ही आपको जो है कि सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए दो अहम जानकारी निकल कर आ रही थी जो कि हम आपको पूरे विस्तार से दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।